हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, यम्मी यम्मी मैंगो मस्तानी की रेसिपी, जो आप सबको देखकर ही बहुत पसंद आएगी और देखकर ही खाने का मन करेगा। तो झटपट आप भी बनाइए और खाइए या पीजिए। इसे आप खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। एकदम यम्मी यम्मी मैंगो शेक बनकर तैयार है। तो इसे और भी मज़ेदार और लाजवाब और बच्चे को पसंद का चॉकलेट सिरप इसके ऊपर से हम डाल देंगे तो बच्चे को ये और भी पसंद आएगा। तो इस तरह से हम चॉकलेट सिरप डाल देंगे। तो देखिए लग रही है ना, और भी सुंदर, एकदम चॉकलेट से भरपूर। तो चले फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मैंगो मस्तानी की रेसिपी। तो अभी आम का सीजन चल रहा है तो मैंगो शेक, मैंगो कुल्फ़ी, मैंगो शरबत, जो जो भी आपके मन में है बनाइए पीजिए। और आम का सीजन में कुछ ना कुछ तो बनता ही रहता है। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैंगो मस्तानी की रेसिपी। तो हमने देखिए ये आम ले लिए हैं। तो इसे और भी मज़ेदार और लाजवाब और बच्चे को पसंद का चॉकलेट सिरप इसके ऊपर से हम डाल देंगे तो बच्चे को ये और भी पसंद आएगा। तो इस तरह से हम चॉकलेट सिरप डाल देंगे। तो अब हम इसको काट के इसका पल्प निकाल लेंगे। इस तरह से हम निकाल लेंगे। तब हम इसे चम्मच से निकाल लेंगे सारे आम के पल्प को। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने मैंगो का पल्प निकाल लिया है और ये हमने 3 से 4 चम्मच चीनी ले लिया है और ये थोड़ा सा हम छोटे टुकड़े में काट के ले लिए ऊपर से गार्निश करने के लिए। और थोड़े से हम अंगूर ले लिए हैं। तब हम एक जार ले लेंगे। तब हम इसमें सारा मैंगो का पल्प डाल देंगे और हम ये चीनी डाल देंगे अब हम इसमें। तब हम ये क्रीम वाला दूध ले लिए हैं, इसे हम फ्रिज में रख दिए थे। तब हम इसमें दूध डाल देंगे 1 गिलास के लगभग। तब हम इसमें 3 से 4 आइस क्यूब डाल देंगे। तब हम मैंगो शेक बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंगो शेक बन गई है। तब हम इसे 1 गिलास में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमने ये रूह अफ़ज़ा ले लिया है। तो देखिए हमने रूह अफ़ज़ा ले लिया है। तो हम रूह अफ़ज़ा डाल देंगे इस तरह से कप में। तब हम इसमें मैंगो शेक डालेंगे। तब हम इसमें आइसक्रीम डाल देंगे। देखिए कितनी सुंदर दिख रही है, बड़े बच्चे देख कर ही मन खुश हो जाएगा एकदम से। इस तरह भर भर कर हम आइसक्रीम डाल देंगे इसमें। तब हम थोड़े कटे हुए अंगूर डाल देंगे।
आपके पास जो भी फ्रूट्स हो आप डाल दें इस तरह से। अब हम इसमें कटे हुए आम को डाल देंगे, तो ये देखने में और भी सुंदर लग रही है। देखिए तो आम के सीजन में आप भी इस तरह जरूर बनाकर खाएं और बच्चों को दें, बच्चे एकदम खुश हो जाएंगे। तब हम इसके ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, इस तरह हम ऊपर से चेरी सजा देंगे। अब कुछ काजू पिस्ता बादाम हम रख देंगे इसमें। तो देख के ला रहे ना मुंह में पानी, तो झटपट बनाइए और आप भी पीजिए और खाइए। तो काजू पिस्ता बादाम से सजा दीजिए अच्छी तरह से। तो देखिए मैंगो बस्तानी की रेसिपी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा मेरे मैंगो मस्तानी की रेसिपी आप सबको कैसे लगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड। तो इसे बनाना भी बहुत आसान है, तो झटपट में आम लाइए। आम के मौसम तभी चल ही रहा है और घर पर भी आपके पास आम होगा तो बस आइसक्रीम बनाइए और आम का शेक बनाइए और झटपट मैंगो मस्तानी बनाकर खाइए और बच्चे को देखे, बड़े बच्चे देखकर खुश हो जाएंगे और आपकी तारीफें करते हुए नहीं थकेंगे। तो फ्रेंड्स झटपट बनाइए।